हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, शॉर्टकट में हम कहते हैं जिसे सीसी। आज मैं इसका टोटली डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि ये एक लॉ का ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि जो थियोरिकल जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से सबसे बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर रीड करके मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते राइट ना, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत कम लिखना रहता है और जो एग्जैक्ट हमको लिखना है वही बस लिखना रहता है, उसी के थ्रू मैक्सिमम मार्क कवर करते हैं। तो आज के स्टूडियो में मैं आपके इसकी पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूंगा, साथ साथ में इसके लिए आपको क्या रीड करना चाहिए, किस तरह से रीड करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन रीड करना चाहिए, डिटेल में बात करना। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इसकी पेपर पैटर्न की। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो पहला पेपर पैटर्न है ये जो बुक में छपा है, अगर लेटेस्ट बुक नहीं है तो 17-18 का पेपर पैटर्न छपा है जो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि ये जो पेपर पैटर्न है वो 3 आवर के हिसाब से दिया गया राइट ना, जो अब हमारा है जो टाइमिंग कम हो चुका है, जो कितना हो गया 2.5 आवर का हो गया, तो पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन आते थे अब 4 क्वेश्चन के अंदर पेपर हमारा कन्वर्ट किया गया। तो चलिए बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, उसके बाद में इसके अंदर आईएमपी क्वेश्चन भी बताने वाला, हर एक सेक्शन में आपको क्या रीड करना चाहिए वो सारा डिस्कस करना था, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पहले मैं बात कर लेता हूं पेपर पैटर्न की। तो देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि पेपर किस तरह से आने वाला है, हर एक सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, किसके बारे में कितने मार्क के होंगे, सारी डिटेल में बात कर लेता हूं। तो पहले मैं बोलना चाहूंगा जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, पहले मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। अभी जो क्वेश्चन 1 आने वाला है ना वो कंप्लीट आपका 17 मार्क का आएगा, कितने मार्क का आएगा वो 17 मार्क का आएगा, कौन से यूनिट से आने वाला है, तो आपका यूनिट नंबर 1 से आने वाला है, यूनिट नंबर 1 से कंप्लीट 17 मार्क का ये आने वाला है ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेंगे, अब कौन से आने वाले वो मैं आईएमपी बाद में बताता हूं, पहले डिस्कस कर लेता हूं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 1 के और में 1, ऐसे आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं राइट, 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ओनली 1, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कितने मार्क का रहेगा 17 मार्क का रहेगा। ये मैंने बात कर ली सेक्शन नंबर यूनिट नंबर 1 से आएगा पहला क्वेश्चन, जो 17 का हो गया, पहले ये कितने का था 14 का था राइट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये जो क्वेश्चन 2 है वो कौन से यूनिट से आएगा, यूनिट नंबर 2 से आने वाला है, यूनिट नंबर 2 से आने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं 2 सेक्शन डिवाइड कर लिया गया ए और बी, ऐसे 2 सेक्शन में कन्वर्ट होगा, यूनिट नंबर 2 से पूछा जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर 2 से आएगा पूरा का पूरा, जो फर्स्ट रहने वाला है उसके मार्क रहेंगे 10 मार्क, कंप्लीट देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर आईएमपी क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, इसमें आएंगे 10 मार्क, और जो सेक्शन बी रहेगा ये आएगा हमारा 7 मार्क। अब ये कैसे आने वाला है देखिए, 10 मार्क में क्या आएगा, 7 मार्क में क्या आएगा, जो 10 मार्क में रहने वाला है वो आपका रहने वाला क्वेश्चन रहने वाला, क्या रहने वाला क्वेश्चन, वो सिंपल सा रहेगा शॉर्ट नोट, क्या रहने वाला है शॉर्ट नोट रहने वाला है, जो 10 मार्क का रहेगा इसमें ओनली 1 लिखनी, कितनी लिखनी रहेगी 1, लेकिन एग्जाम में आएगी 2, कितने आने वाले 2 आने वाले शॉर्ट नोट, उसमें से 1 लिखना रहेगा, ये यूनिट नंबर 2 से आने वाला जिसका मार्क रहेगा 10। अब बी की बात करते हो, बी भी आपका यूनिट नंबर 2 से आएगा, अब 7 मार्क मतलब क्या, तो इसमें आपको छोटे छोटे 7 टॉपिक पूछे होंगे, कितने टॉपिक पूछे होंगे 7 टॉपिक पूछे गए होंगे। अब वो टॉपिक क्या होते हैं, वो इसी में से आने वाले यूनिट नंबर 2 में से, जब आप इसके क्वेश्चन रीड करोगे शॉर्ट नोट तो उसी में से बन के आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप ये सेक्शन बिजनेस रिलेटेड का है, जो मैं भी बाद में एकदम डिटेल में बताऊंगा कि हर एक सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं, जैसे कि आपको सिग्नेचर, तो सिग्नेचर कैसे लिखी जाएगी वो आपको पूछ लिया जाएगा, या तो फिर आपको आएगी डेट, तो डेट कैसे लिखते हैं अमेरिकन में ब्रिटिश में वो पूछ लेगा, या तो और कोई पूछना चाहता है आपको, तो जो एड्रेस होता है ना एड्रेस, वो इनसाइड एड्रेस कैसे ब्लॉक होता है, ब्लॉक या ओपन, वो ग्रामर सेक्शन है, ये बनेगा आपका 7 मार्क का ठीक है। अब कैसे रीड करना हूं बाद में भी बताने वाला हूं, वीडियो लास्ट से जरूर देखना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की बात की, जो भी 17 मार्क का ये, लेकिन ए और बी 2 सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा
राइट है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री की। अभी जो क्वेश्चन नंबर थ्री है ये ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिट नंबर थ्री से ही आने वाला है, जो क्या है लेटर आने वाला है, क्या आने वाला है लेटर, और टोटल 17 मार्क का आएगा। कितने मार्क का आने वाला है, 17 मार्क का ही आने वाला है, बट लेटर दो आने वाले। कितने लेटर आएंगे, दो लेटर आएंगे, वन के और में वन, ऐसे दो लेटर आने वाले हैं। आपको एक अटेम्प्ट करना है, 17 मार्क का क्वेश्चन नंबर थ्री में आएगा, यूनिट नंबर थ्री से आएगा। इसमें क्या एमपी है वो मैं अभी बाद में बताने वाला हूं। अब बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर फोर की। फोर और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि फाइव क्वेश्चन नहीं है, और फोर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, 19 मार्क का होने वाला है। कितने मार्क का होने वाला है, 19 मार्क का होने वाला है, और इसके लिए टोटल हमको थ्री सेक्शन मिलेंगे, ए बी और सी, ऐसे थ्री सेक्शन मिलने वाले। अब ए में क्या होने वाला, ए में ईमेल राइटिंग आएगा, क्या आएगा ईमेल राइटिंग आएगा, जो यूनिट नंबर फोर से आएगा। कहां से आएगा, यूनिट नंबर फोर से ही आएगा, पूरा सेक्शन फोर से ही है, यूनिट नंबर फोर के अंदर ईमेल राइटिंग है, राइट है। अब ये ईमेल राइटिंग कितने मार्क का होने वाला है, अब ये ईमेल राइटिंग जो है 9 मार्क का होने वाला है। इसमें से कौन सी ईमेल राइटिंग रीड करना चाहिए मैं अभी बाद में डिस्कस करने वाला हूं पेपर पैटर्न के बाद। अब सेक्शन बी की बात करता हूं, जो बी और सी है ये दोनों कहां से पूछे जाएंगे, जो वोकेबल है ना आपकी वहां से पूछे जाएगा। आपको ऑलरेडी पता ही, जो 15 वर्ड्स दिए होते हैं, जो मैचअप वाले होते हैं उनके मीनिंग अलग होते हैं, वो ठीक है उसमें से पूछा जाएगा। और कितने कितने मार्क का होगा, यहाँ पे जो बी रहेगा वो 6 मार्क का रहेगा, और यहाँ पे जो सी रहेगा वो 4 मार्क का रहने वाला है। अब यहाँ 6 मार्क में कैसा पूछ सकता है, तो 6 मार्क में आपको मैच करने वाला पूछ सकता है, और 4 मार्क के अंदर आपको जो जो खाली जगह फिलअप करनी रहती है ना, वो ब्लैंक फिलअप करना रहेगा, वो पूछ सकता है। तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका 19 मार्क। ये हो गया पेपर पैटर्न की शॉर्ट में मैंने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं तो डिटेल में आईएमपी सेक्शन की बात करते हैं। आईएमपी क्या क्या रीड करना चाहिए, हर एक सेक्शन में आपको कौन कौन सा आईएमपी पढ़ना चाहिए, जो सेक्शन 1, 2, 3 और 4, इनमें क्या रीड करना चाहिए, मैं चाहूँ तो यहीं से आपको बता देता हूँ आपको रीड क्या करना है, राइट। पेपर पैटर्न की तो मैंने डिस्कस कर ली है, तो आप आई होप अच्छे समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना है प्लीज, जरूर शेयर कीजिएगा इसको। अब सेक्शन वन जिसके अंदर मैंने बात की है आपको, आप देख रहे होंगे 17 मार्क का आने वाला है यूनिट नंबर वन से, जिसमें दो क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दो क्वेश्चन मिलने वाले, लिखना तो ओनली वन है, एक ही क्वेश्चन 17 मार्क दिला सकता है, तो आपके लिए कितना यूजफुल आप जान सकते हो। अब यहाँ सेक्शन वन में आपको 5 क्वेश्चन ही दिए, ऐसे मैं देखना चाहूँ ना तो 5 के 5 क्वेश्चन बहुत इजी है, जो आप एक को बीए पढ़ते हैं ना उससे तो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ हर एक क्वेश्चन में क्या, लेकिन मैं अभी इसी आईएमपी बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँ कि इसको लिखना कैसे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में, तो सबसे मेन आपको ओरल और रिटन दोनों के बीच का डिफरेंस रीड कर लेना है, जिससे क्या रहेगा आपको ओरल कम्युनिकेशन की भी डिटेल मिल जाएगी, कि ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कहाँ यूज होता है, उसके कौन कौन से सिस्टम है, सब पता चल जाएगा। इसी तरह से रिटन, इन दोनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन डिफरेंस से मिल जाएगी, ये आपको गारंटीड रीड करना रहेगा। उसके बाद जो सेकंड रहना रीड करना है, ओरल का ही रीड कीजिएगा, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या जिसको बोलते हैं लिमिटेशन, ये क्वेश्चन रीड कीजिएगा, बहुत ही इजी है। ओरल कम्युनिकेशन जो हम बोल के करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दूसरा, अब रिटर्न में मैं बोल सकता हूं आईएमपी, लेकिन आप इसके बेस पर ये समझ जाएंगे, तो आई होप ये क्वेश्चन रीड कर ले तो रिटर्न के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये नॉन वर्बल मतलब क्या, जिसमें शब्द यूज नहीं किए जाते, दिख रहा आपको वर्बल और नॉन वर्बल, तो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं नॉन वर्बल, तो ये जो होता है साइन के थ्रू होता है, विदाउट द रिटन, विदाउट द ओरल, तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉन वर्बल के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं होती है, इसलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत बार पूछे गए। तो आपको ये 3 क्वेश्चन रीड करने हैं अगर आपको 17 मार्क लाना है तो फर्स्ट सेक्शन में, तो ये क्वेश्चन जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी आपके पास टाइम है तो जरूर रीड कीजिए, डेफिनेटली पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 2 पे आता हूं, ये 2 है, जो सेक्शन नंबर 2 है वो भी आपका यहाँ पर 17 मार्क का, लेकिन 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, ए और बी, जो फर्स्ट रहेगा 10 मार्क का, जो सेकंड रहेगा 7 मार्क का। अब 10 मार्क की मैं बात कर लेता हूं पहले, तो जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से एक लिखना है, जो शॉर्ट नोट के रूप में है। तो 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 नहीं बोलूंगा इसके अंदर, एक्चुअली 2 अलग अलग है, 5 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए, ऐसा समझ लीजिएगा। अब इसमें से आपको क्या रीड करना है, तो पहला 7C पढ़ लीजिए, बिजनेस लेटर के रिगार्डिंग टॉपिक है कि बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, तो उसमें सबसे मेन टॉपिक है बिजनेस लेटर लिखते समय जो सी
सी से रिलेटेड जो 7 वर्ड्स दिए ना, वो 7 वर्ड्स क्या है, वो 7 वर्ड्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो रीड कीजिएगा। बिजनेस लेटर लिखते समय 7C, सी से जुड़े हुए 7 वर्ड्स दिए गए, उनका मीनिंग, उनका डेफिनेशन, इन्फॉर्मेशन ये पूछना ग्रांटेड है। उसके बाद मैं बात करूंगा जो बिजनेस लेटर के जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर जिसमें 2 पार्ट्स है, एक रेगुलर पार्ट्स और एक ऑकेशनल पार्ट्स। इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट तो ऑलवेज पूछा ही गया है एग्जाम में एवरी ईयर, तो मैं बोलना चाहूंगा ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। अगर इसमें भी आपको बोलना कि सबसे पहले कौन सा पढ़े, तो सबसे पहले रेगुलर पढ़ लीजिए, रेगुलर पार्ट्स पढ़ लीजिए, फिर टाइम बचे तो ओकेशनल भी रीड कर लीजिए, एक बार ऊपर से देख लीजिएगा। बट रेगुलर ओकेशनल में से मोस्ट ऑफ एक क्वेश्चन आया है जो रेगुलर पार्ट्स पूछे ही गए, और 7C ये 2 क्वेश्चन आपको रीड करने जो आपको 10 मार्क दिलाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं जो बी बनेगा, जो 7 मार्क का होने वाला है, जिसमें आपका ग्रामीकल जो ग्रामेटिकल सेक्शन होने वाला है वो कहां से रेडी होगा, तो वो भी आपका इन्हीं में से रेडी होने वाला है। जो रेगुलर और ओकेशनल पार्ट्स रीड करेंगे ना, तो उसी में बताया गया कि आपको डेट लिखनी है, तो डेट 2 तरह से लिखी जाती है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश। अगर एड्रेस लिखना है तो इनसाइड ओपन ब्लॉक इस तरह से लिखा जाता है, वो आप पढ़ोगे तो उसी में से निकल के आएगा। तो आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ 7 मार्क आपको समझ में आया होगा, अंदर डीप में मैं बता सकता हूँ लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए आप समझ लीजिएगा क्या रीड करना सेक्शन नंबर 2 के अंदर 17 मार्क के लिए। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में से आएगा। 17 मार्क का बनने वाला ओनली 1 क्वेश्चन लिखना रहेगा, 2 आने वाले क्या है, ये लेटर है, 2 लेटर में से 1 लेटर लिखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये किसके रिगार्डिंग है, बिजनेस लेटर का ऑर्डर किसके रिगार्डिंग है, ये ऑर्डर के रिगार्डिंग है। जब बिजनेस का ऑर्डर दे रहे होते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जो 7 टॉपिक है, वो 7 टॉपिक में एक बार बेसिक बोल देता हूँ। जैसे सबसे पहले ऑर्डर से पहले हम क्या चाहेंगे, उसकी इंक्वायरी निकालना चाहिए, जो हमको प्रोडक्ट चाहिए उसकी क्या निकालेंगे, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी निकालने, फिर इंक्वायरी के बाद सामने वाला हमको क्या देता है, रिप्लाई, और रिप्लाई भी आ चुका है, उसके बाद हम क्या करते हैं उसका ऑर्डर दे देते, भैया ये ऑर्डर चाहिए हमको। फिर ऑर्डर के बाद वो ऑर्डर सामने से हमारे पास आता है। अब आते समय क्या होता है, टाइम लिमिट होता है, अगर उस टाइम लिमिट में नहीं पहुंच पाता उसका कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद नंबर 6 में क्या बताया, ऑफरिंग सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब ये प्रोडक्ट की बजाय आपको दूसरा प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है, देखो सेम काम करता है प्रोडक्ट, इसकी जगह आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये उसका टॉपिक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, किसी रीजन से क्या करते हैं, उस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। अब इतने टॉपिक एक जैसे ही, आपको रीड क्या करना मैं बता देता हूं। ऑर्डर में सबसे पहले इंक्वायरी वाला टॉपिक पढ़ना है, इंक्वायरी में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि हम जब ऑर्डर की इंक्वायरी निकालते हैं ना, उस ऑर्डर की प्राइस आ जाती है, उसमें पेमेंट का जो टर्म कंडीशन आ जाता है, वो जो ऑर्डर जो आएगा प्लेस कैसे करेगा, शिप कैसे करेगा, हमारे पास शिपमेंट कैसे करेगा, तो इंक्वायरी तो गारंटेड रीड करना ही आपको। दूसरा करना तो रिप्लाई भी रीड कर लीजिए, क्योंकि ये भी सेम टू सेम है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंक्वायरी आने के बाद हम उसका रिप्लाई कैसे देते हैं। तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है कैंसल वाला, कि अगर हम ऑर्डर को कैंसिल कर देते उसके पीछे रीजन क्या है, डिले, जो ऑर्डर हमारा आया जो टाइम पूरा था उससे लेट हो चुका है, ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ डिले, तो डिले वाला के रीजन से हम उसको क्या करते हैं कैंसल। ये 3 आपको गारंटेड पढ़ना है। इसके अलावा अगर को पढ़ना है तो ऑर्डर प्लेसिंग पढ़ लीजिएगा, कि हम अगर जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो किस तरह से ऑर्डर लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी है। मैं चाहूं तो डिटेल में आपको अंदर डीप में समझा सकता हूं इंक्वायरी के टाइम में क्या लिखना है, कितना लिखना है। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। जो सेक्शन नंबर 4 है ये 19 मार्क का, कितने मार्क का, 19, जहां पे ए बी सी 3 सेक्शन आएगा। जो एक ए आने वाला है वो हमारा 9 मार्क का आएगा, जिसमें ईमेल राइटिंग आने वाला है। तो ईमेल राइटिंग के अंदर कौन से आईएमपी ईमेल राइटिंग है, तो ये ईमेल राइटिंग बहुत ही इजी है। ईमेल राइटिंग में किसके टॉपिक है, कंप्लेंट के टॉपिक है। किसके टॉपिक है, कंप्लेंट। जब हम कंप्लेंट करते हैं ना, हमारा ऑर्डर जो गुड्स है उसके रिगार्डिंग हम क्या करने वाले, कंप्लेंट। और कंप्लेंट 4 तरह से होने वाली, कैसे, एक तो लेट डिलीवरी, उसने डिलीवरी क्या की है, लेट की। दूसरा, उसने जो गुड्स हमको ऑर्डर प्लेस किया है वो डैमेज वाला निकला। तीसरा, शॉर्टेज निकला, जो हमने जितना ऑर्डर दिया था उससे कम निकला। या चौथा, उनके सेल्स पर्सनल का बिहेवियर कैसा था, रूट था। वे 4 टॉपिक एक जैसे ये मैं बोलूं तो बहुत इजी है, जस्ट आपको ईमेल लिखना कैसे वो परफेक्ट ध्यान होना चाहिए। बाकी इसके अंदर क्या लिखना, तो आप बेसिक जानते हैं कि अगर डैमेज वाला गुड्स निकले तो आपको क्या लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, आप जानते हैं। अब इसमें से मुझे अगर आईएमपी देना है तो मैं बताना चाहूंगा डैमेज गुड्स गारंटी रीड करना है, और शॉर्टेज वाला ये आपको डेफिनेटली रीड करना है। इन दोनों में से एक आना तो फाइनल ही है। अगर इसके अलावा भी आपके पास टाइम है और आपको रीड करना है तो रूड बिहेवियर का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, सेल्समैन का रूड बिहेवियर। ये आपका हो गया 9 मार्क का ईमेल राइटिंग। अब बाकी बचा जो बी और सी
सिक्स मार्क और फोर मार्क, ये टेन मार्क आपके वॉकेबली में से बनने वाले, जो आपको यहाँ 15 वर्ड्स दिए गए हैं ना, ये जो 15 वर्ड्स दिख रहे होंगे इसी का कैसे यूज करना, ऑलरेडी आपने सेमेस्टर वन में एग्जाम दिए, आप जानते ही हो कैसे मैच करने का पूछेगा, कैसे फिलअप द ब्लैंक पूछेगा, इसी में से पूछेगा। तो ये मेरा काम हुआ कंप्लीट। मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए स्पीडली, उसके बाद उसमें क्या रीड करना चाहिए हर एक सेक्शन में से, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो मेरा काम हुआ पूरा। अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, और कमेंट में मुझे लिख के बताना आप चाहते हो कि मैं बिजनेस लेटर और ये थियरी एक्सप्लेन करूं डीप में नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। उस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।